और इनका रास्ता गोडसे का रास्ता है, सावरकर का रास्ता। ये देश के विभाजन के लिए गांधी के दोषी देते हैं, और देश के विभाजन की नींव रखने वाले तो सावरकर है। विभाजन के हवा देने वाला व्यक्ति कोई है तो जिन्ना है। और दोनों व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्ना भी नास्तिक थे, जिन्ना भी नास्तिक थे और सावरकर भी नास्तिक, लेकिन दुर्भाग्य एक मुसलमानों का नेता बन गया, एक हिंदुओं का नेता बनाने जा रहे हैं लोग। गांधी खुद कहते थे मैं हिंदू हूं, वैष्णव हिंदू हूं, गाय को माता से भी बढ़कर बताया। और सावरकर ने जो जानवर अपने ही मल मूत्र में बैठते हैं और पूंछ से अपनी पीठ पर ही उसको ले करते हैं, वो हमारी माता कैसे हो सकती है? जिसके बारे में वो लोग कर रहे हैं उसी की चेला है गोड से, जो गांधी के पैर छूकर उसकी हत्या की। इनका तो सिद्धांत यह है यदि गुरु को मारना तो उसे प्रणाम करके उसको मारा जा सकता, हत्या किया जा सकता है। यह सिद्धांत के लोग हैं ये लोग, यह हिंदुओं का रास्ता नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, विवेकानंद जी ने कहा कि कहीं से भी निकले नदियां समुद्र में जाती है। रामकृष्ण परमहंस जो उनको गुरु, वो अकेले संत हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में उद्घोष किया कि मैंने सभी पंथों से, सभी उपासना पद्धति से मैंने उपासना की, तंत्र विद्या से, अविद्या तंत्र से, सबसे प्रार्थना की। अलग अलग पंथ, हमारे 10 पंथ हैं, उससे भी प्रार्थना उन्होंने की। उनके अलग अलग गुरु हैं, उसके बारे में चर्चा मैं कभी कर सकता हूं, किनसे किनसे उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने उस विधि से उसने उपासना की। मुस्लिम पद्धति से भी उन्होंने किया, क्रिश्चियन पद्धति से भी उन्होंने किया, और तीनों पद्धति से करने के बाद वो दौर था जब हिंदू अपने श्रेष्ठ बता रहे थे, मुसलमान अपने श्रेष्ठ बता रहे थे, क्रिश्चियन अपने श्रेष्ठ बता रहे थे। उस दौर में रामकृष्ण परमहंस उद्घोष करते हैं कि आप चाहे किसी विधि से, किसी परंपरा से, किसी रास्ते से, किसी उपासना पद्धति से आप उपासना करिए, उसी एक ईश्वर के पास पहुंचेंगे आप। ये उद्घोष करने वाला पहला संत रामकृष्ण परमहंस, और यही रास्ता गांधी का रास्ता है।